अगर आपके या आपके रिश्तेदारों के बैंक में अनक्लेम डिपॉजिट पड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अभी हाल ही में उद्गम नाम का एक पोर्टल खोला गया है, जिससे आप अपने अनक्लेम डिपॉजिट या अपने रिश्तेदारों के नाम से जो अनक्लेम डिपॉजिट पड़े हैं उनका पता लगा सकते हैं और इसके बाद आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, आरबीआई द्वारा 2022 में एक रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसमें ये ट्रेंड पता लगा था कि अनक्लेम डिपॉजिट काफी बढ़ते जा रहे हैं और उनका निस्तारण करना आरबीआई ने अपना इनिशिएटिव लेना चाहा, और एज ए सेंट्रल बैंक या बैंकर्स के बैंक होने के नाते आरबीआई द्वारा उद्गम के नाम से पोर्टल स्टार्ट किया गया। दोस्तों, इस पूरे पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी के लिए मैं पॉइंट वाइज डिटेल आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। दोस्तों, उद्गम की फुल फॉर्म है अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये गेटवे आरबीआई के इनिशिएटिव से बनाया गया है, जिसमें कि आरबीआई की जो डेवलपमेंटल और रेगुलेटरी पॉलिसीज डेटेड 6 अप्रैल 2023 में इस तरह के पोर्टल क्रिएट करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए अनाउंसमेंट की थी और उसके बाद उस पोर्टल के डेवलपमेंट के लिए काम शुरू किया गया। इसका मेन पर्पस है कि लोगों में अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना और उस अवेयरनेस के बाद लोगों को अपने डिपॉजिट के बारे में पता करने के लिए, लोकेट करने के लिए और साथ में उस बैंक का भी पता करें कि जहां पर ये डिपॉजिट पड़े हुए हैं। इस इनिशिएटिव से लोगों का समय भी बचेगा और उनकी एनर्जी भी बचेगी और एक ही जगह पर ये सब इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएंगे। आखिर उद्गम है क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उद्गम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसको कि अनक्लेम डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एक कंसोलिडेटेड वेबसाइट है। जैसे कि सिविल की वेबसाइट होती है, जिसमें कि जितने भी बैंकों से लोगों ने लोन लिया हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन वहां पे इकट्ठी होती है, उसी ढंग से जो डिपॉजिट लोगों ने पिछले 10 सालों में क्लेम नहीं किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पे होगी और जो भी बैंक इसके मेंबर हैं उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे उपलब्ध होगी। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्राहकों को अपने अनक्लेम डिपॉजिट ढूंढने में मदद करना और फिर उसके लिए उनको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना। आखिर इस पोर्टल की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, जब कभी भी किसी के सेविंग बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में कोई अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा रहता है 10 साल तक, तो उसके पूरे बैलेंस को बैंक आरबीआई के लिए ट्रांसफर कर देते हैं और जब आरबीआई में ये ट्रांसफर होता है तो वहां पर एक अलग से खाता खोला गया है, जिसका नाम है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, DA अकाउंट बोलते हैं इसको, और इस फंड में वह अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब बैंक डिपॉजिटर या उसके लीगल हेयर इस डिपॉजिट को दोबारा क्लेम करते हैं तो उस अनक्लेम डिपॉजिट को उन लोगों को उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने के बाद इंटरेस्ट सहित दिया जाता है। यदि करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर किया गया होगा तो उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन सेविंग बैंक और फिक्स डिपॉजिट का होगा तो उनमें इंटरेस्ट मिलेगा। आरबीआई ने काफी लंबे अरसे से कई प्रोग्राम चला रहता है कि अनक्लेम डिपॉजिट लोग क्लेम करें, लेकिन 2022 के बाद ये ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ रहा है। शायद ऐसा भी कारण हो सकता है कि COVID-19 के बाद काफी डिपॉजिटर के ऑल ऑफ सडन डिमाइस के बाद वो इंफॉर्मेशन उनके लीगल हेयर तक पास ऑन नहीं हुई और उसकी वजह से वो डिपॉजिट अनक्लेम पड़े हुए हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं।
हो सकता है काफी फिक्स डिपॉजिट भी रहे हों, वो भी यदि अनक्लेम पड़े हुए हैं तो वो जैसे ही मेच्योर होंगे उसके बाद अनक्लेम्ड हो जाएंगे, तो उनको आरबीआई को ट्रांसफर करना पड़ेगा बैंक। ये ट्रेंड 2022 के बाद बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आरबीआई कोशिश कर रहा था कि ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए और वो अपने डिपॉजिट क्लेम करें। इस उद्देश्य से इस पोर्टल को चलाना जरूरी हो गया। इस पोर्टल के फीचर्स क्या हैं? इस पोर्टल को इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इफ्टास और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रिबिट द्वारा डेवलप किया गया है और इसमें सारे अनक्लेम डिपॉजिट की फिगर डाली गई है, जो कि उसके इनिशियल जो बैंक हैं जिन्होंने उसमें अपना डाटा भेजा है उनके डिपॉजिट की डिटेल वहां पे उपलब्ध होगी। इसमें जो शुरू के बैंक हैं उनकी डिटेल मैं अभी दे दूंगा, बाकी कुछ बैंक अब धीरे धीरे ऐड होंगे और 15 अक्टूबर से बाकी बैंकों के भी फिगर्स पोर्टल में आ जाएंगी और डिपॉजिटर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ आरबीआई उद्गम पोर्टल, लोगों को क्या क्या फायदा होंगे, इंडिविजुअल हों या नॉन इंडिविजुअल हैं, कई कंपनीज भी हो सकती हैं, कई और ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, ट्रस्ट हो सकते हैं, इनका क्या अनक्लेम डिपॉजिट पड़े हुए हैं, तो वो इस पोर्टल से फायदा उठा सकते हैं। ये सेंट्रलाइज पोर्टल है, एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी और वो इजीली उन एक्सेसिबल होंगी, लोगों के लिए कन्वीनियंट होगा, घर बैठे ही पता कर लेंगे कि कितने डिपॉजिट कहाँ पड़े हुए हैं, बिगर बैंक में गए हुए, और उसको एक ही पॉइंट पर 10 बैंकों में यदि डिपॉजिट पड़े होंगे तो वो उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। डिटेल मिलने से डिपॉजिटर हो या उसके लीगल हेयर हैं या नॉमिनी हैं तो वो उस डिपॉजिट को एक्टिवेट कर देंगे या उसको विड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह ये धीरे धीरे इस पोर्टल की सहायता से ये अनक्लेम डिपॉजिट लोगों तक वापस पहुंच जाएंगे। इसमें जैसे कि मैंने कहा कि पीछे अनक्लेम डिपॉजिट काफी बढ़ रहे हैं और उसमें एक प्रॉबेबल कारण COVID-19 भी हो सकता है, जिसमें कि ऑल ऑफ सडन कैजुअलिटीज हुई हैं, लोगों के डिपॉजिट बैंकों में पड़े हुए हैं। उसके अलावा और भी कई कारण होते हैं, उसमें कई बार कोई कई लीगल हेयर होते हैं जिनमें आपस में डिस्प्यूट होने की वजह से भी क्लेम नहीं हो पाता, कई बार नॉमिनी या लीगल हेयर को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम से कोई डिपॉजिट पड़े हुए हैं, तो इस पोर्टल के माध्यम से वो इजीली पता कर लेंगे और इसको डिपॉजिट की जो इंफॉर्मेशन है उस पे एक्सेस कर लेंगे। कौन कौन से बैंक इस पोर्टल में शामिल हैं, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी है इस पोर्टल में, उनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, धनलक्ष्मी बैंक है, सिटी बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है और DSB बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इन सभी बैंकों द्वारा अभी तक इंफॉर्मेशन दी गई है, बाकी बैंक 15 अक्टूबर के बाद इंफॉर्मेशन देंगे और वो भी अवेलेबल रहे। दोस्तों, इस पोर्टल को कैसे ऑपरेट करेंगे इसके बारे में मैं प्रैक्टिकल तो दूसरे वीडियो में दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए कौन कौन से स्टेप लिए जाएंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें आपको पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना है और हर इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल उस एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेगा तो अब आराम से कई बैंकों से में पड़े हुए जो डिपॉजिट है उनका पता लगा सकता है। इसलिए सबसे पहले पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। पहला स्टेप है कि आप उद्गम पोर्टल खोलेंगे आरबीआई का, और ऑफिशियल वेबसाइट है उद्गम की, udgam.rbi.org.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे और अपने डिटेल प्रोवाइड करेंगे। इस डिटेल में नाम हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है और पैन कार्ड नंबर हो सकता है। इस ढंग से ये जो डिटेल डाली जाएंगी, उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और पासवर्ड के बाद जो कोड आएगा उस कोड के हिसाब से आपको उस कोड को इंटर करना पड़ेगा। अगला स्टेप होगा कि जितने वो टर्म्स एंड कंडीशन है पोर्टल में उनके लिए आपको एग्री करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर
फिर नेक्स्ट करके वेरीफाई विद ओटीपी, जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे आएगा वन टाइम पासवर्ड के लिए, उसको आप डालेंगे और उसके बाद उद्गम पोर्टल में आप लॉगिन कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। एक बार ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर कभी भी आप लॉगिन कर सकते हैं। उद्गम पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए क्या क्या स्टेप होंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उद्गम पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड देना पड़ेगा, फिर क्लिक करेंगे लॉगिन पे और फिर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, उसको एंटर कर दीजिएगा। वंस डन यू कैन एक्सेस योर अकाउंट एंड मैनेज योर अनक्लेम डिपॉजिट। इसके स्टेप वन है विजिट उद्गम पोर्टल यूजिंग लिंक https://udgam.rbi.org.in/. स्टेप टू है एंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड टू लॉगिन पेज। मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर कर देंगे और उसे लॉगिन कर देंगे। तीसरा स्टेप है कि एक कोड आएगा आपके मोबाइल पे, उस कोड को पोर्टल में एंटर करेंगे। चौथा स्टेप है कि जो कोड आप डालेंगे उसको वेरीफाई करने के बाद आप RBI के उद्गम पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे। अब आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप अपने अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में डिटेल पता कर सकते हैं, और इसको जब हम अगले वीडियो में कवर करेंगे प्रैक्टिकल दिखा करके, तो साइट का पूरा डिटेल स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा। बड़ी जल्दी अगला वीडियो भी जारी करूंगा। अब ये सब डिस्कस करने के बाद फिर से एक समराइज वे में उद्गम पोर्टल के फायदे हैं उनको बारे में पूरी तरह से आपको बताना चाहूँगा कि इसके बहुत ही कन्वीनियंट है इसको एक्सेस करने के लिए, और सभी बैंकों का एक ही जगह पर उद्गम पोर्टल में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। क्लेम करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको डिपॉजिट का वो फॉर्म भरना पड़ेगा और उसको डिपॉजिट का एक्टिवेट करके और वहाँ से उस बैंक से आप क्लेम कर सकते हैं। इससे आपका टाइम सेव हो जाता है, काफ़ी बैंकों में चक्कर लगाने के बजाय एक ही पोर्टल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें नेविगेशन के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन है और आराम से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएंगे। ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा क्योंकि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाएंगी और आप अपना डिसीजन दे सकते हैं। ये जैसे कि मैंने पीछे ही डिस्कस किया है कि ये बड़ी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं, जिसको कि RBI की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज हैं और पार्टिसिपेटिंग बैंक भी हैं। बैंक उसमें जब इंफॉर्मेशन देंगे तभी उस पोर्टल में इंफॉर्मेशन भेजी जा सकती है। ये सभी की कलेक्टिव एफर्ट्स हैं। एम्पावरमेंट टू द यूज़र, यूज़र को एक ही जगह पे सारे फंड्स की डिटेल मिल जाएगी और कैसे उन फंड्स को क्लेम करना है उसके बारे में भी आराम से आप कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पीछे ही बताया कि इसमें फ्यूचर में और एक्सपेंशन होना है, इन 7 बैंकों के अलावा बाकी बैंक भी इसमें ग्रेजुअली शामिल होंगे और सारी इंफॉर्मेशन एक ही पोर्टल पे आपको मिलने शुरू हो जाएगी। कैसे आप उद्गम पोर्टल से इंफॉर्मेशन लेंगे, उद्गम पोर्टल को विजिट करके पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है उसमें ऑप्शन चेक अनक्लेम डिपॉजिट। तीसरा स्टेप है कि आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे और साइन अप करेंगे। चौथा स्टेप है कंप्लीट एनी वेरिफिकेशन स्टेप प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, नाम, अकाउंट नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह कोई डिटेल वो पोर्टल मांग रहा है तो वो दे देंगे, उसके बाद आप के सामने डिस्प्ले हो जाएगा। RBI का जो ये इनिशिएटिव है, ये डिपॉजिटर इंडिविजुअल हों या नॉन इंडिविजुअल हों उनके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा और ये फ्यूचर में एक काफ़ी सुविधाजनक होगा। ये इंटर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है और ये सेंट्रलाइज अप्रोच से RBI ने ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा
दे दी है और साथ ही काफी अवेयरनेस भी इसके लिए क्रिएट की है। दोस्तों आपने देखा है कि इस पोर्टल के आने के बाद ग्राहकों को अपने अनक्लेम डिपॉजिट का पता लगाना बड़ा आसान हो जाएगा और कई सालों से जो समस्या थी उसका समाधान आरबीआई ने ये निकाल दिया। और ये डिजिटल बैंकिंग का युग है तो सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली अवेलेबल होंगी। जब यदि किसी को अनक्लेम डिपॉजिट का डिटेल पता लग जाएगी तो उसके बाद उसको एक फॉर्म भर करके देना होगा और इंडिविजुअल बैंक को कॉन्टैक्ट करके अपने डिपॉजिट क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मुझे इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगले वीडियो में पार्ट टू वीडियो जो होगा उद्गम का, उसमें पोर्टल में कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे उसमें लॉगिन करना है और कैसे इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगी, साथ ही आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या और बैंकों के स्कीम्स के बारे में जानकारी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।